हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन समारोह। होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कुंवर विवेक सेठ को जिताने की अपील। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मौरावा थाना क्षेत्र से। मौरध्वज की नगरी मौरावा स्थित रामलीला मैदान में संपन्न हुआ होली मिलन समारोह एवं पत्रकार सम्मान समारोह। होली मिलन समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित, कुंवर विवेक सेठ, सनी सेठ, मदन चौरसिया, धीरू सिंह, तनु सिंह, शिवम पांडे ने पूर्व विधायक अनिल सिंह का बड़ा माला पहनाकर स्वागत किया, राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। वहीं ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित का भी माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक अनिल सिंह व कुंवर विवेक सेठ ने संयुक्त रूप से आए हुए पत्रकारों का माला पहनाकर कलम डायरी देकर सम्मानित किया। इस शुभ अवसर पर भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर रजनीश वर्मा, संतोष सिंह, विधायक प्रतिनिधि मोहन सिंह ताऊजी सहित सैकड़ों नगरवासी, प्रधानगढ़ व माही संस्था के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होली मिलन समारोह में सभी लोगों ने गुजिया खाकर व ठंडाई पीकर आनंद लिया। उन्नाव से युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। लोग खाए आए रहे पकौड़ी, ठंडाई होता है, ठंडाई पापड़ भी तो है। जैसा कि होली में आप जानते ही हो कि होली एक ऐसा त्योहार है जो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लगकर खड़ी करते हैं। हो सकता साल भर मनो मन मुटाओ तो बात में चर्चा पर्चा चला करे, लेकिन जब होली आती है तो होली में दिल सब मिल जाते हैं। इसलिए मिल जाते हैं कि होली में होलिका दहन हुआ था, मतलब बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई का उदय। बुराई का अंत कैसे कि होली मौसी रही हो भगवान प्रहलाद को जलाने के लिए एक चिंता पे बैठ गई, उसने लगाया और इनका कहा फूक ले रहा कश्यप ने कहा इनको जलवा दो। ऐसा जैसा हमको लोगों ने हमने पढ़ा है और हमें जानकारी है तो भगवान की लीला तो अपरंपार होती है, तो उन्होंने अपना लीला दिखाया और जिसका मन गंदा था, नियत गंदी थी, वो जलकर भस्म हो गया और जिसका मन साफ था, अच्छा था, वो जिंदा उससे वापस आ गया। इसी खुशी में हम सब होलिका दहन करते हैं और होली मनाते हैं। पचासन केस ऐसे आए हैं कि लोग कहने लगे यार भैया भौजी के रंग लगा दिए तो बदमा लिखवा दी। पहले तो पक्का ये पक्का हो गई, पहले कच्चा रहा था, जहां महिषी बांधी जाती रही ठहरा वहां में पटक पटक कमा। ये आपके अच्छे सेवक हैं, जैसे एक ये लोग जो कुछ लोग हैं जो इनका उरावत है कि लखनऊ रहा थी, लखनऊ हम उनसे पूछा जाए कि तुम कहा, तुम गांव के रहने वाले हो, कोठी खरीद के वो मना लिए हो, ये तो पैदाइशी उम्र है। लेकिन जो आदमी लखनऊ में रहकर यहां सेवा कर रहा हो इसका मतलब वो आपका असली सेवक है। अच्छा एक बात बताओ, आप रसमलाई सब बन नहीं, और कोई ऐसे आदमी का दैव्य का इंतजाम जो भूखा हुआ बेचारा तो पहले खाई ना खाई, खाई ना खाई, लपक कर खाई ना दे आओ तुम साल के लिए, तो ऐसे ऐसे ले जा मार दे कब पते उनका पेट भरा है तो हमका लागत की वो छुई ना। तो यही तरीके विवेक सेठ जी है, अगर इनका चेयरमैन बना दी हो तो आप यो मान के चलो कि आपको रुपया मारावा टाउन में कोई लूट नहीं सकता है इनके बना। आप कह रहे हो तो बहुत बड़े आदमी हैं, अरे बाहर आदमी है जो इतना रुपया चल रहे हैं, हमका लागत ये वो अपना दरवाजा दे दीजिए तमाम दिन खाएंगे। अजम चोर काल तक राशन बेच लेते रहे, परसों ईद का भट्टा बेच लिए, कहा कि हम सेवक हैं, बेचबे है भैया जिनके आमदनी का या तो रुपया पता नहीं कोई कहां से लाए ना, उनका
ना आईटीआर है, ना कोई बिजनेस है और अरबपति है। कहां से रुपया आ रहा है बताओ ना भाई, कहां से रुपया? उनका बता रहे हो कि तुम बड़े आदमी हो, उनका बना जाओ तो तुम्हारा सेवा ना करी है। आई बड़े सेवक, ये तो वो हाल हुआ कि मैं लोग दुल्हनी सौंप दी हो, ये बोली दुल्हनी ही चट। बहुत लोग यहां हुई है बताई है, जाए शाम का गुप्त तुम हो विधायक आ जाए से बताओ। हम खुले आम बोल रहे हैं कि अगर आप चाहे प्रधान हो, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, आपकी सेवा करना चाहता है, तो आपको उसको उसकी जिम्मेदारी पर बैठाना चाहिए ताकि आपकी योजना वो आप तक पहुंचाने का काम हो। जब चुनाव चला रहा था, अरे सब तो ठीक है, जीते बाद लखनऊ भाग जाइए। अरे तुम तो ही रहा करो तो लखनऊ भाग करो, तुम्हारे पास काल तक कहा रहा? हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, हम तो बिजनेस करके 10-10 करोड़ का आईटीआर भर के बिजनेस करके यहां तक पहुंचे और इनकम टैक्स भरते हैं। भाई हमारे विवेक सेठ जी हैं कि जैसे आपने हमको आशीर्वाद दिया है, आज घूस नहीं ले जब होंगे, और घूस जब लिया तो न हो के गले में हड्डी बने हैं ना करो। जो कल तक यहां पुरवाम और हवा में लूट रहे थे, चौराहों पर बैठकर लंबी लंबी छौंक रहे थे, बड़ा बड़ा कुर्ता सिलवाज तुमका हौंक रहे थे, वो आज डूब के छुप के कहूं बैठे हैं, देख लियो जाए अगर तुमका विश्वास न हो। कॉलोनी हम और हम मिले बाबा 50-50 हजार रुपया ले लीज बताओ, 50-50 हजार किसी गरीब का अगर आप ले लोगे तो उसका घर क्या बनेगा? और ये सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, योगी सरकार ने दिया है, इतना मकान कमरा आवा 6 साल के अंदर जितना हो अब तक अब नहीं आवा हो। जबकि बिजली हम लोग नहीं रहने का मान लो एक दिन तीन दिन से हड़ताल हो गए, लेकिन जितनी बिजली हम दिन है, जितने तार हम बदले नहीं पुरवा के अंदर लागत कबो पहले बदले नहीं गए रहे, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। तो ये लोग पन्ना पर दर्शन बना रखे हो कि नहीं नहीं इनका चिता जब तो लखनऊ भाग गए, अरे लखनऊ में इनका चिता देखो वो भाग गए। 35-35 साल में तुम बनाए हो, नवा आदमी बनाओ तो हम अपना मदद करी, अब हम यहां घुसे लागे थे तो फिर रोकना लागत है जांच करना वाले के। अरे चोरन में जा का, अरे जब आप रुपया लूटत हो, रुपया कमात हो, तब आप कोई गरीब के अपनी ही जात के आदमी की बिटिया की शादी में 10 रुपया दे होगा तो तुम जात के बात कर रहे। हम देखिए दीक्षित जी का स्टार्टअप 15 महीना करते हैं, ब्लॉक प्रमुख हेलोगली है, इनते बड़ा पंडित है का को ये एरिया, ये हमारे साथ है कि नहीं बताओ, ताली बजाओ सब लोग। इनके पिताजी 50 साल इस पूर्व विधानसभा की सेवा किए हैं। चोर बताते हैं कि हम जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम पारसी हैं, फलाने हैं, धमाके हैं। अरे चोरों की कोई जात होती है? चोर तो चोर। आज मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई ईडी का लोग हथियार बनाए। अरे भाई तुम घोटाला क्यों, कांग्रेस सरकार में तुम्हारा घोटाला है, हमने तो कोई एफआईआर जमा नहीं की। 12-12 हजार करोड़ खा गए तुम जनता का धन, तो कहा जेल जाना गलत है उनके लिए? अगर उनका जेल पहुंचावा ना जाए तो यह बेटा उन लोग लूट ले हजम कर दी है पूरे ब्लॉकों के। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी ने सेवा करना सिखाया है, सेवा करना। जब चार लड़का होंगे तो हम कैसे खुश कर देना कि पूर्वा के सभी लोग खुश हो जाए हम पे, लेकिन जितने खुश हैं उतने पर्याप्त है, यह आशा नहीं रखा चुका। पूर्वा विधानसभा के अंदर 55-60% लोग हमने खुश है, जिनका क्षेत्र का विकास चाहिए, जिनका क्षेत्र की रोडें चाहिए, जिनके लिए क्षेत्र में बिजली आवे,
अंदर अमन चैन और भाईचारा बने रहे, ऐसे लोगों को हम पसंद है, वही मुझे लिए मेरे लिए बहुत। आइए देखते हैं पत्रकार वार्ता में अनिल सिंह ने क्या कहा। विधायक जी, करीब 40 मिनट के भाषण में आपने एक परिवार पर निशाना साधा, चुनाव भी दूर है, क्या डराने का काम किया गया? चुनाव पहले डर जाए किसी तरीके से और हिम्मत हार के वो महफूज आ जाए। ये तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर भी आरोप लगता है कि डरा रहे हैं कांग्रेस को, एक ही परिवार को। ये योगी पर भी आरोप लगता है कि डरा रहे हैं एक ही परिवार अखिलेश को। ये हमारे ऊपर भी आरोप लग रहा है कि डरा रहे हैं एक ही परिवार का। ऐसा नहीं है, हम अपना माहौल बना रहे हैं, अपना वोट मांगने का, अपना व्यवस्था, अपना समझो एक प्रकार से हाथ, सभी जितने भी पूर्वावासी मोरावावासी लोगों से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप एक ऐसा आदमी बनाइए जो आपकी सेवा कर सके। जो खुद ही बड़ा आदमी हो वो क्यों चोरी करेगा? आप बताइए, उसके पास सारी सुविधाएं पहले से हैं तो वो क्यों चोरी करेगा? भाई जो आदमी जिसके पास कुछ नहीं होगा वो आदमी सब जो भ्रष्टाचार हो सकता कर सकता है, सबके ऊपर आरोप नहीं कि कोई फलाने कर सकते। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के धन को हड़पने का काम किया है 35 साल से यहीं पे। हमारा क्या है, हम एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, हमारी इच्छा कि हमारे यहाँ भी पुरवा में इस मोरावा में हमारा अपना चेयरमैन, हमारे जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको जिताने का काम करें ताकि आगे तुम्हारा और काम करें। उन लोगों पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो एकदम सत्य है। क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घोषित कर चुकी है मोरावा के अंदर? देखिए हमारी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिला है तभी ये यहाँ दौड़ रहे हैं। और मैं घोषणा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से विवेक सेठ ही लड़ेंगे। अगर सीट बदलती है तो अलग का समीकरण, अभी तक का समीकरण ये है कि विवेक सेठ जी लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई पट नहीं है। पार्टी के पैनल में भी इनका नाम है, पार्टी की तरफ से भी नाम है। भाई हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि तुम इतने बड़े मठाधीश और बड़े आदमी से कैसे लड़ पाओगे? अगर हम तुमको टिकट दिलाएं तो हम गंवानी तो सीट नहीं है। इतने साल 40 साल बीत गया हमको सीट नहीं मिली, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को 45 साल बाद पुरवा की सीट दिलाने का काम किया है, उसी तरीके से मोरावा और पुरवा टाउन का भी सीट जो इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है उसको भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम कार्यकर्ता करेगा। और हमारा कार्यकर्ता सर्वोपरि मानता है कि जो पार्टी का निर्णय है। विधायक जी, आपने कहा कि अगर आपका कार्यकर्ता भी कोई अनर्गल काम करता है तो साथ नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो भाजपा की एक लंबी है वो कहीं ना कहीं विधायक अनिल सिंह के अपोजिट उसको ज्यादा काम कर रही है, जो विधायक जी नहीं चाहते? देखिए ईमानदार आपकी छवि है, मेरी देखिए कोई खराब नहीं करता, लेकिन मुखिया का काम है बीच बीच में अवगत कराना अपनी पॉलिसी, अपने संस्कार। बाप का धर्म है कि अपने बच्चों को बार बार संस्कार देना है कि किसी की बहन बेटी तुम्हारी बहन बेटी, किसी का पैसा गलत वो समझो फलेगा नहीं। वही काम अनिल सिंह इस मुखिया होने के नाते अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी कहते रहते हैं कि कोई गलत काम करेगा तो कतई साथ नहीं दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई इज्जत नहीं। नंबर एक। नंबर दो, हर परिवार में सगे भाई में ऐसी होती है कि कोई टांग खींचता है कोई ऊपर आता है, तो ये बड़ा परिवार है इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई लामबंदी कर रहा है कोई हमारे विरोध में। अपना अपना विचार है, अलग रखता रहता है और अपनी बात कहता है। देखिए अन्ना जानवरों पर हम लोग लगातार निरंतर गौशाला बना रहे हैं, आपने अभी देखा होगा। नंबर एक, क्या दायित्व तो आपका नहीं है कि आप भी जागरूक करें कि भाई जानवर क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या दायित्व तो आपका नहीं है कि जो लोग छोड़ रहे हैं उनको भी समझाने का काम करें? आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, प्रेस में है, मीडिया में है। मीडिया का व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्ति होता,
वो चौथा स्तंभ माना गया। हमारी बात आपकी बात अगर सब मिलकर सबको समझाएंगे, संस्कार देने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर ये प्रॉब्लम आई है, हम गाय गौ हत्या होने नहीं देंगे। हम बार बार कहते हैं, तो जब गौ हत्या नहीं होने देंगे तो थोड़ी व्यवस्था होगी, उसके बाद हम लोग संभाल रहे हैं लगातार गौशाला। 8 गौशालाएं 1 करोड़ 20 लाख की पूर्वा में आई है, बनना चालू है। नहीं, उद्घाटन हो चुका है, हमारे ब्लॉक प्रमुख जाकर उद्घाटन कराए, लेकिन जानवर अभी उसके अंदर इसलिए कम रखे जा रहे हैं, वहाँ भूसा चारा दाना, अगर कोई मर गया तो तब भी आप लोग चलाएंगे, अगर कोई किसी के साथ घटना घट जाती है उस जानवरों में तो उसके बारे में भी चलाएंगे। तो हम जब तक फुल प्रूफ नहीं हो लेंगे तब तक उसको भरने का काम अभी नहीं किया जाएगा। आपने विधानसभा क्षेत्र में जो बंजर या अन्य कई सरकारी जमीनें हैं उन पर बड़ी तेजी से अवैध कब्जे चालू है, क्या मानते हैं? नहीं, कतई नहीं, हम तो खाली करा रहे हैं। 10,000 एकड़ जमीन पुरवा में कब्जा थी, 6,000 एकड़ खाली हो चुकी है, 4,000 बची है, तो उनको भी खाली। आप सब सहयोग करिए, आप सबके सहयोग से ही हम और जो बचे कुचे हैं वो भी खाली करा देंगे, ये मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। लेकिन कभी कभी आप ही चालू कराने लगते हैं कि भैया हो विधायक जी दबंगई करते हैं, भैया हो विधायक जी फलाने की जमीन छोड़वा ली, तो भाई उनको जागरूक करिए कि सुरक्षित जमीन अगर कहीं है, उसकी खलिहान की है, तालाब की है, चारागाह की, उसको कब्जा न करें। तो कोई, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति होगा जो समझेगा नहीं। आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, योगी जी को बुलाया, अब चुनाव नजदीक है, आज केशव प्रसाद मौर्य जी का भी जो पूरा उद्घाटन चुनाव से संबंधित था 2024 में भाजपा को जिताइए, आपको क्या लगता है कि पूरे 6 विधायकों में अनिल सिंह ऐसा नहीं है? सभी विधायक हमारे भाई हैं, सभी विधायक चुने हुए हैं, सभी विधायक बनकर आए हैं। ये पार्टी का एक विश्वास है कि वो मेरे पास इसीलिए मेरे क्षेत्र में या मेरे अगुवाई में काम करते हैं कि अगर अनिल सिंह खड़े हैं तो उसको लीड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, जैसे घर में ही 4 बेटे होते हैं, 4 बहुएं होती है, तो जो बहू आपकी या जो लड़का आपका होशियार होगा आप उसी को कहोगे कि बेटा ये देख लेना, बेटा ये देख लेगा, तो चौथा वाला ऐसा नहीं कि वो पूरा मान जाएगा, पापा बार बार बड़े भैया को ही काम बताते हैं। तो ये दायित्व है, सामूहिक दायित्व है, तो इसी तरीके उस दायित्व को निभा रहे हैं और उसको निभाते रहेंगे। उन्होंने एक स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी टिप्पणी की है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, आपको नहीं लगता है कि एक ही जात में होकर के उन्होंने टिप्पणी की, वो मर्यादित टिप्पणी है? वो बेकार टाइप का आदमी है, वो किसी जाति का नहीं है, उसकी बात करके मेरी जबान खराब न कराइए। हाँ, स्वामी प्रसाद जो जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता है और उनकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई है। कभी आदमी पगला उगला जाता है जैसे, तो आदमी कुछ भी आए बंड संड बता करते गाँव में, तो हम उनके बारे में क्या बताओ यार? वो एक जात के इसलिए हैं, वो बता रहे हैं कि तुम कितने जगलर हो, अपनी बिटिया का, अपना खुद, अपने लड़का, अपने भतीजे का विधायक बना के लिए भाजपा में रहो, तब तुम्हें रामायण खराब नहीं लगी? अब तुम खाली बेवकूफ बना रहे हो जनता को, जनता नहीं समझती है क्या? जनता नहीं जानती है कि तुम खाली टीआरपी गांठने के लिए आए हो कि हमारे लड़का बच्चा फिर वहां सेट हो जाए? अखिलेश को बर्बाद हम बता रहे हैं, बड़े भाई बर्बाद कर देगा आपका जो आदमी, नेवला हुआ कहीं समझो तुम, जो सब चट कर जाए। हम बता रहे हैं, आप हमारे बात मीडिया तक उसके समाजवादी ट्विटर हैंडल पर चलवाओ कि मैं बड़े भाई अखिलेश यादव जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि राजनीति में रहना है तो इन जैसे बम, सुतली बम ना रखने, खुद का सब उड़ जाए। इसलिए अनुरोध है कि ऐसे लोगों को कतई कतई कतई, और इसका जवाब हमारे बड़े भाई, हम सबके संरक्षक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही देंगे उनको। उनको उसी अभी हम बोलेंगे कुछ तो कहेंगे, अरे वो तो छत्री है, वो तो बोलबे करेंगे, ऐसा वो बोलकर निकल लेते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी इसीलिए बोले कि उनको तो बोल नहीं सकते हैं कि ये फलाने हैं। तो अब आप तुम जो कोई सनक गवा हो, सटक गवा हो, बंगड़िया गवा हो, तो उसके बात करे इसका फल। धन्यवाद। 100% चालू हो जाएगा 100 बेड का अस्पताल। अरे कब तक का यार, कब तक काम, तारीख दे तो घंटा बताइए, चालू हो ही जाए।
जैसे तुम पैदा भयो भी बाढ़ो मोटाओ बियाओ कौन भा फिर लड़का बच्चा पैदा हुई है फिर उसके बाद तुम बूढ़े हो 70 साल का प्रोग्राम है तुम्हारा है कि नहीं। तो इसी तरीके से व्यवस्थाएं अनंत है, हम लोग प्रयास करते हैं कि काम जल्दी हो जाए, कोई नहीं चाहता कि काम जल्दी ना हो। टेक्निकल पॉइंट फंसा था वो आज मैंने बताया आपको, तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहो, तुम सोचो कि सब कुछ तुरंत हो जाए या जो झड़ी है ऐसा नहीं, प्रक्रिया है व्यवस्था है, अगर कोई अंगरंगा डालेगा तो सरकारी ऐसे तो गड़बड़ करते हैं और प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई तो ऐसे रोक रहे हैं, तो इसलिए निश्चिंत रहो 100% हो जाए, इसी अगले महीना तक चालू हो जाए।